साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासियों जनजाति के हितों को भी हमेशा सर्वोपरि रखा है। वन धन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बेहतर कीमत आपको मिल पाए। वन उपज में मूल्य वृद्धि करने के लिए वन धन केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसी तरह वन उपज पर जो समर्थन मूल्य सरकार देती है उसमें बीते 4.5 वर्ष में 3 बार बढ़ोतरी की गई है। अभी दिसंबर में ही 23 उपजों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान सरकार द्वारा एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों में भी वृद्धि की गई है। साल 2014 से पहले जंगल से मिलने वाली 10 फसलों पर एमएसपी मिलता था, अब करीब करीब 50 फसलें इसके दायरे में है। हमारी सरकार ने ही बांस के कानून में भी बदलाव किया। अब आप अपने खेत में भी बांस उगा सकते हैं और उसको बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था क्योंकि बांस को काटने में तमाम कानूनी अड़चनें थी। भाइयों और बहनों, धार की चित्रकला और यहां बनी बांस की कलाकृतियां तो देश और दुनिया में मशहूर है। बांस से बने सामानों की बहुत मांग है। यहां के स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिले इसके लिए तकनीक का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ का ऑनलाइन कारोबार में भी विस्तार किया गया है। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर कौशल और रोजगार तक के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमने जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का अभियान चलाया है। इसके तहत 20,000 से अधिक की आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में स्कूल खोले जा रहे हैं। साथियों, देश की आजादी से लेकर देश के विकास में जनजातीय आदिवासी नायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विशेष तौर पर 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में आदिवासी सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। भाजपा सरकार ने इस योगदान को सम्मान देने का काम भी कर रही है। आजादी की लड़ाई में जिन आदिवासी बेटे बेटियों ने बलिदान दिया है उनकी याद में देश भर में स्मारकों का निर्माण हो रहा है।